आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस तरह का पोस्टर कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सावरिया टेक। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों हम गुरु नानक जयंती का पोस्टर बनाने के लिए हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आप इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में हम यही बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस प्रकार लोगो दिखेगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन का, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिख जाएगा, आपको इसे डिलीट कर देना है यहाँ पे। तो डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और दोस्तों आप सीधे गैलरी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पोस्टर बैकग्राउंड दिख जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे पोस्टर बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। दोस्तों इस पोस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फोटो और नाम और मोबाइल नंबर ऐड करना है। पोस्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, आपको कोई भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस पोस्टर में आपको कोई भी डिजाइन करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें फोटो और नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा, आपका पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और आपको कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको, तभी आप समझ पाओगे दोस्तों इसमें फोटो और मोबाइल नंबर और नाम कैसे ऐड करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये वाला पोस्टर कैसे मिलेगा आपको और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये वाला पोस्टर कैसे डाउनलोड करना है और क्या करना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों पहले ही वीडियो छोड़कर चले जाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सारा प्रबंध कर लिया हूँ। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों अब चलिए मैं सिखाता हूँ कि इसमें फ़ोटो और नाम मोबाइल नंबर कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम फ़ोटो ऐड करेंगे अपना। फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों आप गैलरी में आ जाओगे, यहाँ पर आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री जी का इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओके कर दूँगा। यहाँ पे मोदी जी की इमेज आ चुका है। अब आपको इसे छोटा कर लेना है और यहाँ पे आपको अपनी इमेज सेट कर देना है। आपकी जितनी ही इमेज अच्छी होगी उतनी ही अच्छा पोस्टर बनेगा, तो आप यहाँ पर इमेज अपने सेट कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है। तो नाम टाइप करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीके से इस पोस्टर को आप डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप देखा सारा कुछ पहले से डिजाइन है, सिर्फ और सिर्फ उसमें फोटो और नाम लगाकर आप पोस्टर बना सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। बस दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ गया है, अब आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी टाइप कर देता हूँ। मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, आप चाहे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र फिर मोदी मैं टाइप कर देता हूँ, तो नरेंद्र मोदी टाइप कर दिया, फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ चुका है। अब इस नरेंद्र मोदी को आपको इस फोटो के ऊपर ही सेट कर देना है। आप चाहे तो इधर साइड में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़ोटो के ऊपर ही सेट करूँगा। फिर यहाँ पे नरेंद्र मोदी मैंने टाइप कर दिया है। फिर यहाँ पे इसका कलर सही से दिख नहीं रहा है, तो कलर देखने के लिए यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कलर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर तो मैं कलर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिर ओके कर देना है। इसके बाद में आपको थोड़ा से स्टोरेज देना है, तो यहाँ पर स्टोरेज पर आपको क्लिक कर देना है और इसे इनेबल
कर देना है, और स्ट्रोक का कलर आपको कर देना है वाइट, फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे अब इसका आप चाहे तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे ये भी फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको कई सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो मर्जी वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट चूज कर लूँगा, फिर ओके कर दूँगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ चुका है, आप चाहे जो भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फ़ोटो और नाम सेट हो चुका है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है, तो मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है आपको इसे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारा नरेंद्र मोदी कॉपी हो चुका है। अब आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। तो मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ दोस्तों, मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, तो आपको इसे छोटा करके फ़ोटो को नीचे ही सेट कर देना है। यहाँ पे हमारा नाम और मोबाइल नंबर और फ़ोटो सेट हो चुका है। अब आप चाहे अपने हिसाब से इसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं। पूरी तरीके से हमारा पोस्टर कंप्लीट हो गया है, बस आपको इस पोस्टर को अपने गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एस इमेज पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। आपकी इमेज सक्सेसफुली गैलरी में सेव हो जाएगा, अब आप चाहे जहाँ पर इसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ ये वाला पोस्टर आपको कैसे मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने इस पोस्टर का डाउनलोड लिंक दे दिया है, आप वहाँ से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ वन क्लिक में। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो शायद ये पोस्टर डाउनलोड ना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ही पोस्टर को डाउनलोड करने जाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।